एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आभार। तो गुजरे हुए ज़माने की एक और स्टोरी आपके सामने लेकर आई हूँ। तो आज हम बात करेंगे संजीव कुमार की। हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता, उनका पूरा नाम हरिभाई जरीवाला था और वो मूल रूप से गुजराती थे। इस महान कलाकार को फिल्म जगत की आकाशगंगा में एक ऐसे ध्रुव तारे की तरह याद किया जाता है जिसने बेमिसाल अभिनय से बेमिसाल फिल्में और उनकी फिल्मों से बॉलीवुड हमेशा जगमगाता रहेगा। उन्होंने रोमांटिक ड्रामा से लेकर थ्रिलर तक की फिल्मों में शानदार अभिनय किया और उन्हें भारतीय सिनेमा का 7वां सबसे महान अभिनेता चुना गया था। फिल्म अंगूर में उनकी दोहरी भूमिका को भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने वाले हैं। सारे अवार्ड अपने नाम किए जिनमें फिल्म दस्तक 1970 में और 1972 में कोशिश, 1975 में आई फिल्म शोले में सबसे फेमस किरदार ठाकुर का उन्होंने निभाया, अर्जुन पंडित में और त्रिशूल जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। साथ ही तमिल की हिंदी रीमेक जैसी फिल्म खिलौना और नया दिन नई रात, यही है जिंदगी, देवता, राम तेरे कितने नाम जैसी बहुत सारी फिल्में दी। उनकी फिल्मों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। शिकार, उलझन, तृष्णा, कत्ल जैसे सस्पेंस थ्रिलर फिल्में भी उन्होंने की। कुमार पति पत्नी और वो बीवी, अंगूर हीरो जैसी फिल्मों में उन्होंने कॉमेडी भी की और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। संजीव कुमार 9 जुलाई 1938 को सूरत में गुजराती ब्राह्मण परिवार में जन्मे और वे बहुत छोटी उम्र में मुंबई आ गए। फिल्म स्कूल में पढ़ाई के बाद वे बॉलीवुड पहुंच गए जहां वे अंततः एक मझुए एक्टर बने। आलोचकों और आम जनता द्वारा भारतीय सिनेमा के अब तक के सबसे महान अभिनेताओं में से एक संजीव कुमार। कुमार ने अपने अभिनय की शुरुआत एक स्टेज अभिनेता के रूप में की। बॉम्बे में इप्टा से शुरुआत की और भारत में राष्ट्रीय रंगमंच में शामिल हुए। एक स्टेज अभिनेता के रूप में उन्हें बड़ी उम्र की भूमिकाएं निभाने का शौक था। 22 साल की उम्र में उन्होंने आर्थर मिलर के ऑल माय सन्स के रूपांतरण में एक बूढ़े व्यक्ति की भूमिका निभाई। 1960 में हम हिंदुस्तानी में एक छोटी सी भूमिका के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की उन्होंने और नायक के रूप में अपनी पहली फिल्म निशान 1965 में की। 1968 में उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार के साथ संघर्ष में अभिनय किया। सुपरहिट फिल्म सच्चाई 1969 में आई जिसमें उन्होंने शमी कपूर और साधना के साथ काम किया और 1966 की गुजराती फिल्म कलापी में अभिनय किया। साल 1970 में फिल्म खिलौना, जो गुजराती फिल्म रीमेक थी, और इस फिल्म ने उनको पहचान दिलाई। गुलजार ने संजीव कुमार को फिल्म अंगूर 1981 और नमकीन 1982 में कास्ट किया। 1968 में उनकी फिल्म राजा और रंग बहुत सफल रही। उन्होंने माला सिन्हा के साथ कंगन रिवाज, जिंदगी, बेरहमान, अर्चना और दो लड़कियां जैसी फिल्में की। तनुजा के साथ प्रिया, अनुभव, गुस्ताखी माँ, बचपन और खुद्दार जैसी फिल्में की। राखी के साथ अंगारे, पारस, तृष्णा, श्रीमान और श्रीमती में काम किया। बात करें उनके पर्सनल लाइफ की तो कुमार जीवन भर अविवाहित रहे और 1973 में हेमा मालिनी को प्रपोज किया, उसके बाद वे संपर्क में रहे। सुलक्षणा पंडित ने बाद में बताया कि वे उनसे प्यार करती थी और उन्होंने उनके सामने शादी का प्रपोजल भी रखा, लेकिन संजीव कुमार ने उस प्रपोजल को मना कर दिया। बात करें उनके आखिरी समय की तो अपने पहले दिल के दौरे के बाद उन्होंने अमेरिका में बाईपास सर्जरी करवाई। हालांकि 47 वर्ष की आयु में उन्हें एक बड़ा दिल का दौरा पड़ा
जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो गई। संजीव कुमार के द्वारा बनाई गई 10 फिल्में ऐसी रहीं जो उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई, जिनमें से आखिरी फिल्म थी प्रोफेसर की पड़ोसन, जो 1993 में रिलीज हुई। मृत्यु के समय इस फिल्म का केवल 3/4 हिस्सा ही पूरा हो पाया था और जैसे इस फिल्म की आधे हिस्से की स्टोरी को बदलना पड़ा। संजीव कुमार फिल्म इंडस्ट्री के कंजूस एक्टर के तौर पर मशहूर थे, लेकिन उनके लाखों रुपए इंडस्ट्री के लोग हजम कर गए। संजीव कुमार की सेक्रेटरी जमुना दास ने उनकी मृत्यु के बाद उनके हिसाब किताब की एक डायरी खोली और उनके परिवार को बताया कि इंडस्ट्री के किस एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर पर संजीव कुमार का कितना बकाया है और सब कुछ जोड़ा गया तो 94,36,000 रुपये की रकम संजीव कुमार दूसरों पर उधार छोड़ कर गए थे। उस जमाने में इतनी बड़ी रकम उस दौर में बैंकों में रखा जाए तो 5 साल में डबल हो जाता था। कैलकुलेट की जाए तो आज के 90 या 100 करोड़ रुपए बनते हैं। संजीव कुमार के परिवार के लोगों ने ये पैसे लेने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हताश होकर परिवार ने उम्मीद छोड़ दी। तो संजीव कुमार की स्टोरी को आज मैंने डिस्कस किया। आई होप आप सभी को उनकी ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो मशहूर हस्तियों की अनसुनी दास्तान जानने के लिए मेरे साथ बने रहें फ्लैशबैक इन पर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।